Hello, my dear class 11th students. This is your biology teacher and I welcome you all in this super amazing online lecture series from Sanskaram Group of Schools. Dear students, as you all know, we are discussing our chapter Neural Control and Coordination. So today we are about to complete the brain portion. ठीक है, brain के different different parts हम बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को explain कर चुकी हूँ. ठीक है, हर एक part का मैं आपको function समझा चुकी हूँ. दो चीज़ों के function रहते हैं, वो मैं अब भी बता देती हूँ. क्या चीज़ रह रही है हमारी, एक तो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में क्या कनेक्शन है. ठीक है, सेरिब्रम बेसल न्यूक्लियाई और सेरिबेलम, हाउ दे आर कनेक्टेड, वो हम आज की क्लास में देखेंगे. देखो, इससे पहले मैं आप लोगों को जो बता चुकी हूँ, फटाफट एक बार देख लेते हैं ब्रेन के बारे में. जल्दी से फंक्शंस को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, डिफरेंट पार्ट के फंक्शंस जो हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल नीचे पोर्शन है, मेडुला. बहुत सारे ऑटोनॉमिक एक्शंस हैं जो बॉडी अपने आप कंट्रोल करती है, उनके सेंटर मेडुला में लोकेटेड होते हैं. प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा. रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, स्नीजिंग, कफिंग, हिकपिंग, वो सब सेंटर मेडुला में है. अब मेडुला में रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है, उसको कंट्रोल करने वाले दो सेंटर प्रेजेंट होते हैं पोन्स के पास, जो मेडुला के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, एपन्यूएस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर. वो दोनों पता होना चाहिए आपको. उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, मिड ब्रेन. मिड ब्रेन में मैंने आपको बताया चार डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके पोस्टीरियर साइड में, जिसको हम बोल रहे हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना में ऊपर वाले जो दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर हैं वो कंट्रोल क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली कंट्रोलिंग द विजुअल रिफ्लेक्सेज. जो विजुअल रिफ्लेक्सेज हैं, जो हम देखने की वजह से एकदम रिफ्लेक्स एक्शन आते हैं, वो ऊपर वाले जो सुपीरियर कॉलिकुलाई हैं वो जो कंट्रोल कर रहे हैं. नीचे वाले जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हम बोल रहे हैं इन्फीरियर कॉलिकुलाई, वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं, कि एकदम से अगर कोई पटाखा फूटता है तो हम एकदम से ऐसे चौंक जाते हैं, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन आ रहा है सिर्फ आवाज़ की वजह से. सो दैट इज़ ऑडिटरी रिफ्लेक्स, और ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है इन्फीरियर कॉलिकुलाई, जो कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना का पार्ट है. फिर हमने देखा सेरिब्रम. सेरिब्रम बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, टच का, पेन का, ठीक है, स्मेल, ठीक है, साइट, हियरिंग, तो इन सब में हमें क्या मूवमेंट करना है, क्या एक्शन करना है, वो सब सेरिब्रम डिसाइड करता है. मेन पार्ट ऑफ ब्रेन है थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, सब कुछ उससे रिलेटेड है. चार लोब में उसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट लोब जो फ्रंटल लोब है, उसमें एक बड़ा सा मोटर एरिया है, जो मोटर, जिसको हम मोटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं, जो बॉडी के मूवमेंट को प्लान करता है कि कोई भी हमारे पास सिग्नल आया उसके रिस्पॉन्स में हमें कैसे मूव करना है, ठीक है, क्या मूवमेंट शो करना है, तो वो जो फ्रंटल एरिया है वो डिसाइड कर रहा है, जिसको हम जो उस फ्रंटल एरिया में कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स. ठीक है, उस फ्रंटल एरिया के बिल्कुल सामने प्रेजेंट होता है प्री फ्रंटल एरिया, जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, साइट के लिए जो है रिसेप्टर्स, या फिर साइट के लिए जो रीजन है, जो सेंस कर रहा है, वो ओसिपिटल लोब में है. हियरिंग वाले को जो कर रहा है, दैट इज़ इन द टेम्पोरल लोब. ठीक है, और सोमेटोसेंसरी वाला, वो पेराइटल लोब में है. ये सब हम देख चुके हैं. ठीक है, यानी कि जितने भी मूवमेंट है वो ब्रिंग अबाउट कौन कर रहा है, सेरिब्रम. तो आज हम पढ़ेंगे पहले तो सेरिबेलम के बारे में, फिर सेरिबेलम के फंक्शंस क्या हैं, और सेरिबेलम और सेरिब्रम आपस में कैसे कनेक्टेड हैं. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि सेरिबेलम को हम कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ या आर्बरविटी. क्यों कहते हैं वो भी बताया था, अभी देखते हैं. क्योंकि इसको लिटिल सेरिब्रम कहते हैं और इसके अंदर आर्बरविटी प्रेजेंट होता है, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों कहते हैं इसको लिटिल सेरिब्रम. ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग सेरिबेलम का होता है लिटिल सेरिब्रम. अब सेरिबेलम भी सेरिब्रम के जैसे दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है. इनके बीच में जो चीज़ प्रेजेंट है, जो इन दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रही है, दैट इज़ नोन एज वर्मिस. क्या बोलते हैं उसको, वर्मिस. अब ये जो दोनों हेमिस्फीयर हैं, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इनमें क्या है, कुछ ग्रे रीजन है, कुछ वाइट रीजन है. आपको पता है जो ग्रे मैटर है वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है. देखो, पेरीफेरी पे अगर एकदम साइड्स पे चेक करोगे तो सिर्फ ग्रे मैटर है. ठीक है, और जो इसका वाइट मैटर है वो किस फॉर्म में अरेंज होता है बेटा, वो ऐसा लगता है जैसे कुछ ब्रांचेज हैं ट्री की, ऐसा लग रहा है जैसे एक ट्री है. अगर वाइट मैटर आप इसमें देख पा रहे हो, मैंने अलग से इसीलिए वाइट पेन से वाइट मैटर को ड्रॉ कर रखा है और ग्रे से ग्रे मैटर को. सो जो वाइट मैटर है, इट इज़ अपियरिंग लाइक ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, तो इसको हम बोलते हैं आर्बरविटी या ट्री ऑफ लाइफ. अगर कभी क्वेश्चन आ जाए आर्बरविटी क्या है, तो आप ये बताएंगे कि जो वाइट मैटर है
the white matter which is present in cerebellum that is arranged in the form of branches of a tree. तो उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज ट्री ऑफ लाइफ. आर्बर विटी का अगर लिटरल मीनिंग देखें दैट इज ट्री ऑफ लाइफ. अब बात करेंगे कि सेरिबेलम जो है मेनली तीन फंक्शंस से कंसर्न है, ठीक है. नीट में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. तीन फंक्शंस जो है वो कंट्रोल करता है सेरिबेलम. अब वो तीन फंक्शंस क्या हैं, सबसे पहला आता है बेटा टोन एंड पोस्चर ऑफ बॉडी. टोन एंड पोस्चर ऑफ बॉडी का मतलब क्या है, देखो जो हमारी मसल्स हैं, मस्कुलर सिस्टम जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो मैंने बताया था एक चीज़ ओल्ड और नन प्रिंसिपल, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक मसल सेल की अगर हम बात करें, सिर्फ मसल सेल की, देखो ध्यान से सुनना फिर मैं जो आगे बताऊंगी उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. एक मसल सेल या तो कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी या कम्प्लीटली रिलैक्स्ड रहेगी. बट एक मसल की बात करें, उस मसल में बहुत सारी मसल सेल्स होती हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक मसल की कुछ सेल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, यानी कि मसल इज इन पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट. किस लिए, हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए. मेरी नेक स्ट्रेट है बिकॉज मेरी नेक की कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है. बैक जो है दैट इज स्ट्रेट बिकॉज बैक की कुछ मसल्स दे आर इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट. कुछ मसल सेल्स जो है दे आर इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट. सो जो मसल्स हैं दे आर पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड. मसल्स कैन बी पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड, मसल सेल कैन नॉट. अ मसल सेल इज ईदर कॉन्ट्रैक्टेड और रिलैक्स्ड, ठीक है. तो ये जो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल है जो हेल्प कर रहा है फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर, इसको हम कहते हैं मसल टोन. तो ये कौन करवा रहा है, दिस इज विद द हेल्प ऑफ सेरिबेलम. कैसे, मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को. दूसरा फंक्शन है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम. अब आप लोगों में से कुछ लोग कहोगे कि मैडम आगे हम इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे ईयर, ठीक है. ईयर में भी आप देखेंगे कि जो इंटरनल ईयर है दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर, वो कैसे करता है वो भी हम नेक्स्ट आगे जो है इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे. और तीसरा फंक्शन क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट्स. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके अब इन फंक्शंस को देखते हैं तीनों, टोन एंड पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट्स, ठीक है. सबसे पहला फंक्शन बॉडी टोन और पोस्चर वाला. टोन क्या होती है, मसल टोन. इट इज स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स टू मेंटेन पोस्चर. जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मसल सेल्स, जो मसल सेल्स हैं उनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे कुछ रिलैक्स, इसीलिए एक मसल जो है दैट रिमेन्स पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड, वो पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, उसको हम बोलते हैं मसल टोन. अगर मैं बात करूँ तो इस मसल टोन को मेंटेन करने वाला कौन है, सेरिबेलम में आपको पता है पेरिफेरी पे क्या है, ग्रे मैटर. ग्रे मैटर मतलब बहुत सारी जो सेल बॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट हैं. ये सेल बॉडीज़ किसकी हैं, मोटर न्यूरॉन्स की, यानी कि यहाँ से न्यूरॉन्स जाएंगे जो मसल के पास सिग्नल लेके जा रहे हैं. यहाँ पे बहुत सारी सेल बॉडीज़ हैं, इनके एक्सोन्स ऐसे जाएंगे जो मसल के पास सिग्नल लेके जाएंगे. सो दीज मोटर न्यूरॉन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं इस सेरिबेलम में, दे गिव कमांड टू द स्केलेटल मसल ऑफ बॉडी फॉर स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन विच हैव टू मेंटेन पोस्चर. कि जो हमारी मसल कब कॉन्ट्रैक्टेड है, कितनी कॉन्ट्रैक्टेड है, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, फुल कॉन्ट्रैक्शन, तो उसका सिग्नल, उस पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल जो मेंटेन कर रहा है पोस्चर, तो उसका सिग्नल कहाँ से जाता है, उसकी कमांड जो है कौन भेज रहा है, सेरिबेलम भेज रहा है. सेरिबेलम से बहुत सारे एक्सोन्स निकलेंगे जो बॉडी की मसल्स में जाएंगे और उनको पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रखेंगे सो दैट बॉडी का पोस्चर रिमेन्स मेंटेन. सो सेरिबेलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर, क्लियर. नेक्स्ट फंक्शन था बेटा बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम. इंटरनल ईयर में क्या होती है, कोक्लिया, ठीक है. इंटरनल ईयर का जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी तो मैं बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगी. फिलहाल ये याद रखो कि इंटरनल ईयर का क्या काम है, कि जब भी हमारी कोई सडन मूवमेंट होता है, जब भी हमारा पोस्चर बिगड़ने लग, जब भी हमारा बैलेंस एक्चुअली बिगड़ने लग जाता है, तो इंटरनल ईयर उसको सेंस कर लेता है कि देर इज़ समथिंग, कि कुछ गड़बड़ है. जैसे हम किसी बस में जो है बैठ के जा रहे हैं, समटाइम्स वी फील स्लीपी, ठीक है, सो जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही बस एकदम से ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ गिरने को होते हैं, बट एकदम से हमारी नींद खुल जाती है. तो हमारा जो इक्विलिब्रियम बिगड़ा था, जो बैलेंस बिगड़ा था, तो उसको हमारे ब्रेन ने सेंस कर लिया और हमें रोक दिया, गिरने से बचा लिया. वो कैसे होता है, इंटरनल ईयर ने सेंस कर लिया कि अब जो है बैलेंस और इक्विलिब्रियम बिगड़ रहा है. इंटरनल ईयर ने सिग्नल भेजा सेरिबेलम के पास. अब सेरिबेलम क्या करेगा, ये मसल्स के पास सिग्नल, मैंने बताया मसल के पास सिग्नल भेज रहा है सेरिबेलम, ये मसल के पास सिग्नल भेजेगा और बॉडी की जो फ्रंट मसल है उनको एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा
और वो एकदम स्टिफ हो जाएंगी तो बॉडी जो है आगे की तरफ गिरने से बच जाती है, ठीक है। तो ये काम किसका है? सेरिबेलम का। तो सेरिबेलम इज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल अफेक्ट सेरिबेलम, सेरिबेलम पे अफेक्ट करता है, इसीलिए जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उनका बैलेंस जो है आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल वो बिगड़ जाता है, उनका बैलेंस और इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है, इसीलिए वो जो है अच्छे से चल नहीं पाते। तो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम किसका है? सेरिबेलम। इसको सेंस कौन कर रहा है? सेंस कर रहा है इंटरनल ईयर। इज दैट क्लियर? थर्ड फंक्शन, थर्ड फंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें पता चलेगा एसोसिएशन ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। थर्ड फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट्स, कि जो कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट्स क्या हैं? अब देखो, ठीक है, आपके सामने कोई इंसान है, ठीक है, सपोज ही इज सेइंग समथिंग टू यू और आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, सपोज जस्ट फॉर कि कोई बदतमीजी कर रहा है, तो उस वक्त आपका ब्रेन क्या बोलेगा कि गो एंड स्लैप हिम या स्लैप हर, ठीक है। तो वो मूवमेंट जो हमारी बॉडी का आएगा वो कैसे आता है? सबसे पहले तो जो उसने बोला उसको हमारे जो टेम्पोरल लोब है वहाँ पे कुछ सेंसरी एरिया है, उसने सेंस किया, ठीक है, उसको डिकोड किया ब्रेन ने, फिर ब्रेन ने मोटर एरिया के पास जो एसोसिएशन एरिया था उसने समझ के मोटर एरिया को बताया कि ये इंसान ये कह रहा है, अब देखो क्या करना है। अब मोटर एरिया को ये तो पता है डिसीजन क्या लेना है, मोटर एरिया को ये पता है कि इस कंडीशन में इस इंसान को स्लैप करना है, बट मोटर एरिया को ये नहीं पता कि बॉडी की मूवमेंट कैसे आएगी। मोटर एरिया कमांड दे सकता है बॉडी को मूवमेंट के लिए, पर उसे नहीं पता कि हम किस पोजीशन में खड़े हैं और इस पोजीशन से हमें कौन सी मूवमेंट करके आगे जाना है। तो उसके लिए क्या है, जो सेरिबेलम और सेरिब्रम है दे आर कनेक्टेड। जो हमारा सेरिबेलम होता है, ठीक है, इसके पास बॉडी का 24 आवर्स एक बॉडी मैप होता है, ठीक है, कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन किस पोजीशन पे है। सेरिबेलम के पास हमेशा ही एक बॉडी मैप होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो सिग्नल देना है, जो कमांड देगा वो ये मोटर एरिया या मोटर कॉर्टेक्स देगा, ठीक है। अगर मेरे को आगे जाना है, ठीक है, तो मेरे को कमांड देने वाला ये मोटर कॉर्टेक्स है कि मेरे को आगे मूव करना है, बट मोटर कॉर्टेक्स को ये नहीं पता कि मैं अपने पैर कैसे रख के जो है आगे जा पाऊंगी, दोनों पैरों के बीच में कितना स्पेस रखूं सो दैट मैं गिरूं नहीं, ठीक है। तो मेरी जो पोजीशन है उसका हर टाइम एक मैप कहाँ प्रेजेंट है? सेरिबेलम के पास। सेरिबेल जब भी मोटर कॉर्टेक्स को ये सिग्नल देना होगा कि बॉडी को मूव करवाना है तो उससे पहले वो मांगेगा जो बॉडी मैप है, वो बॉडी मैप उसके पास कौन भेजेगा? सेरिबेलम। सेरिबेलम ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सेरिब्रम के पास भेज देगा। अब मेरे को बताओ, न्यूक्लियस मैंने क्या बताया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें वाइट मैटर के अंदर अगर कोई सेल बॉडी प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, और जो सेरिब्रम के बेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोल देंगे? बेसल न्यूक्लियाई। बेसल न्यूक्लियाई क्या है? जो सेरिब्रम के बेस पे कुछ सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं वाइट मैटर के अंदर, तो उनको बेसल न्यूक्लियाई बोल दिया। अब ये बेसल न्यूक्लियाई क्या करेगा? इसके पास सिग्नल भेजेगा सेरिबेलम कि इस टाइम बॉडी की पोजीशन ये है और इस पोजीशन से कैसे मूवमेंट आगे करना है, ठीक है। एक ये पोजीशन में ऐसे खड़ी हूँ तो मैं पहले ऐसे घूमूंगी फिर आगे की तरफ मूवमेंट शो करूंगी, अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरे को पहले इस डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, यानी कि हर बार मूवमेंट करने का तरीका जो है दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। मूवमेंट करने का तरीका डिफरेंट होगा, इसीलिए क्या है कि हर बार जो मोटर एरिया है उसको सिर्फ ये पता है मूवमेंट करवाना, उसको ये नहीं पता कि मूवमेंट कहाँ से शुरू होगा कैसे शुरू होगा। तो उसके लिए बॉडी मैप चाहिए। बॉडी मैप है भाई साहब यहाँ इस सेरिबेलम भाई साहब के पास। सेरिबेलम भाई साहब डायरेक्टली सेरिब्रम को नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि मैं इस बेसल न्यूक्लियाई को दूंगा, ठीक है। उसने कुछ इन्फॉर्मेशन बॉडी मैप की एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे भेजी और भेजी मोटर एरिया के पास भी। फिर आगे जो मोटर एरिया को ये बताना है कि कैसे मूवमेंट होगा, क्या पोजिशन है, वो बेसल न्यूक्लियाई करेगा। ये बेसल न्यूक्लियाई के एग्जोन्स जाएंगे मोटर एरिया के पास और वो बताएंगे कि बॉडी की पोजिशन क्या है और इस पोजिशन से बॉडी को मूव कैसे करना है। तो जो भी आप मूवमेंट देख रहे हो वो सिंपल मूवमेंट्स नहीं है, उसके लिए ब्रेन को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। वो आपको दिखाई दे रहा है कि एक सिंपल मूवमेंट है बट उसके लिए हमारे ब्रेन को बहुत सोचना पड़ रहा है और उसमें काम कर रही है तीन चीज़ें, सेरिबेलम, सेरिब्रम और बेसल न्यूक्लियाई। तो बेसल न्यूक्लियाई क्या कर रहा है? सेरिब्रम और सेरिबेलम को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट आए इन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है?
इन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम सेरिबेलम का है, क्योंकि हर टाइम बॉडी मैप किसके पास प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम के पास। देखो क्या लिखा है, जो मोटर कॉर्टेक्स है या मोटर एरिया है जो सेरिब्रम के अंदर होता है, जो मैंने बताया था, इसको क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स मैप ऑफ बॉडी बिफोर जनरेटिंग मूवमेंट, कि जब भी ये मूवमेंट जनरेट करेगा उससे पहले इसको बॉडी का एक करेक्ट मैप चाहिए। वो मैप किसके पास होता है, दैट मैप इज कंटेन्ड इन द सेरिबेलम, सेरिबेलम के पास होता है हमेशा बॉडी का मैप, कि कौन सा बॉडी का ऑर्गन किस पोजिशन में है। सेरिबेलम वो इन्फॉर्मेशन देगा बेसल न्यूक्लियाई के पास, एंड देन दिस बेसल न्यूक्लियाई प्लान्स द मूवमेंट, ये मूवमेंट प्लान करके भेजेगा मोटर एरिया के पास, फिर मोटर एरिया कमांड भेजेगा टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स सो दैट दे कैन मूव। सो दिस वॉज कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट, और इसको कोऑर्डिनेशन में तीन चीज़ों का रोल है, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड बेसल न्यूक्लियाई। सेरिब्रम में तो मोटर एरिया प्रेजेंट है जो फाइनली क्या कमांड देगा मूवमेंट की, बट उस कमांड को, उस मूवमेंट को प्लान करने वाला है बेसल न्यूक्लियाई, और बेसल न्यूक्लियाई प्लान किस बेसिस पे करता है, बॉडी के मैप के बेसिस पे, और वो बॉडी मैप कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन सेरिबेलम। इज दैट क्लियर, तीनों फंक्शन समझ में आ गए, टोन एंड पोस्चर वाला भी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, सेकेंड इज बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट्स, ये सब काम है सेरिबेलम के। अब देखो बेसल न्यूक्लियाई के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। न्यूक्लियाई क्या है, तीसरी चौथी बार बता रही हूँ सिर्फ आज की क्लास में, इट इज़ द ग्रे मैटर लाइंग इन वाइट मैटर, कि वाइट मैटर है उसके अंदर अगर कोई सेल बॉडी प्रेजेंट है तो उसको हम न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस बोल देते हैं। जो सेरिब्रम के बेस पे ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होता है उसको बोल दिया बेसल न्यूक्लियाई, और ये जो बेसल न्यूक्लियाई है ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलके क्या बनाती है, लिम्बिक सिस्टम। अब ये लिम्बिक सिस्टम क्या करता है ये मैं बताऊंगी अभी आप लोगों को, ठीक है। हाइपोथैलेमस सबको पता है कहाँ लोकेटेड है, जो थर्ड वेंट्रिकल होती है, थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है मिडब्रेन के ऊपर, पूरा एक्सप्लेन किया जा चुका है इसमें। यहाँ इसकी टिप पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, यहाँ दोनों साइड पे प्रेजेंट होगा थैलेमस, और पीछे प्रेजेंट होता है पीनियल ग्लैंड, और ये तीनों मिलके जो थर्ड वेंट्रिकल के तीन चारों तरफ जो स्ट्रक्चर्स ये सराउंड कर रहे हैं इसको, इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के हम कह देते हैं क्या, डायन्सिफेलॉन। तो डायन्सिफेलॉन इज रैप्ड अराउंड द थर्ड वेंट्रिकल, ये जो थर्ड वेंट्रिकल है इसके चारों अराउंड रैप्ड है डायन्सिफेलॉन। सो ये जो हाइपोथैलेमस है ये प्लस जो सेरिब्रम के बेस में बेसल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे ये मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द लिम्बिक सिस्टम। डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम के बेस पे कुछ ग्रे मैटर प्रेजेंट है, कुछ सेल बॉडीज प्रेजेंट है जिनको हमने बोल दिया बेसल न्यूक्लियाई। अब ये बेसल न्यूक्लियाई अलोंग विद दिस हाइपोथैलेमस जो टिप पे प्रेजेंट है थर्ड वेंट्रिकल के, दे फॉर्म द लिम्बिक सिस्टम। व्हाट इज दिस लिम्बिक सिस्टम, दिस इज द इमोशनल ब्रेन, जो भी इमोशंस आते हैं, ठीक है, रेज है, एंगर है, फियर है, मोटिवेशन है, ये जितने भी इमोशंस है ये कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं इस लिम्बिक सिस्टम की वजह से। लिम्बिक सिस्टम किन दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइपोथैलेमस एंड बेसल न्यूक्लियाई, ठीक है। अब बेसल न्यूक्लियाई में दो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, दो बेसल न्यूक्लियाई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है अमिगडेला, इस पे तो दो बार क्वेश्चन आ चुका है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या है अमिगडेला, क्या है, इट इज़ द सेंटर फॉर रेज एंड एंगर, कि जो गुस्सा है, ठीक है, उसके लिए जो सेंटर है ब्रेन में, दैट इज दिस अमिगडेला विच इज़ अ बेसल न्यूक्लियस। दूसरा मैंने बात की हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस क्या है, ये वो सेंटर है विच कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। हिप्पोकैम्पस अगर किसी का डैमेज हो जाए, यानी कि ये वाला बेसल न्यूक्लियाई अगर किसी का डैमेज हो जाए, तो उसकी मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको, ठीक है। सो हिप्पोकैम्पस एंड अमिगडेला आपको पता होना चाहिए, अमिगडेला सेंटर फॉर रेज एंड एंगर, हिप्पोकैम्पस कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस के फंक्शंस की, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस पूछा गया है, स्पेशली जो फर्स्ट वाला फंक्शन है इस पे। हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं विच रिलीज हॉर्मोन्स, याद रखेंगे हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन्स दे रिलीज हॉर्मोन्स। न्यूरॉन्स एक्चुअली वैसे क्या रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, मैं बता चुकी हूँ न्यूरॉन जो केमिकल रिलीज करते हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, बट जो हाइपोथैलेमस है इसके न्यूरॉन्स कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी।
इसके अंदर देयर इज सेंटर फॉर कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का सेंटर इज हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस एक्ट एज अ थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी. यही क्वेश्चन पूछा गया था, विच ब्रेन ऑर्गन, विच ब्रेन पार्ट एक्ट एज थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी. थर्मोस्टेट मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है. सो दैट इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस कैसे करता है कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH. ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, दिस विल गो एंड वर्क ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी फिर सीक्रेट करेगा थायरॉयड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH. दैट TSH विल गो एंड वर्क ऑन थायरॉयड और थायरॉयड से रिलीज करवाता है थायरोक्सिन. थायरोक्सिन बेसिकली इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. सो जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम है वो कर रहा है हाइपोथैलेमस. कैसे, वो भी मैंने आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट की हेल्प से बता दिया. इट सीक्रेट TRH. TRH जाके काम करेगा पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी सीक्रेट करेगा TSH. TSH फिर थायरॉयड पे जाके काम करेगा, वहां से थायरोक्सिन रिलीज होगा विच विल इंक्रीज द टेम्परेचर. ठीक है. ये जो टेम्परेचर इंक्रीज है, कुछ टाइम पे बॉडी जो है कभी कभार जानबूझ के टेम्परेचर इंक्रीज करती है, जिसको हम फीवर बोलते हैं. वो कब, अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वक्त बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करके उस बैक्टीरिया या वायरस को किल करने की कोशिश करती है. सो वो कौन करवा रहा है, दैट इज हाइपोथैलेमस. अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कि जब हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड को बोलता है कि अब सलाइवा सीक्रेट मत करो. सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट नहीं करेंगे तो हमारा मुंह सूख जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें प्यास लग रही है. तो जो ड्रिंकिंग को कंट्रोल करता है वो कौन है, हाइपोथैलेमस. ऐसे ही जो हमें हंगर पैंग्स लगते हैं, ठीक है, जो भूख होती है वो किस वजह से होती है, वो भी होती है हाइपोथैलेमस की वजह से. अर्ज फॉर ईटिंग यानी कि डिजायर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है. एक चीज़ और है हाइपोथैलेमस जिसको बोलते हैं सेटाइटी सेंटर. सेटाइटी सेंटर क्या है कि जब हम खाना खा लेते तो हमें एक फुलनेस फील होती है कि हाँ नाउ वी आर फुल, हमें और नहीं खाना है. थैंक गॉड ये सेटाइटी सेंटर प्रेजेंट होता है थैलेमस में. ठीक है, इसी की वजह से हमें पता चलता है कि हमें इतना खाना खाना है. ठीक है. सो हाइपोथैलेमस क्या है, भूख को भी कंट्रोल करता है, भूख कब रुकनी है उस चीज़ को भी कंट्रोल कर रहा है. क्लियर. इमोशंस लाइक रेज, पेन, एंगर, फियर एंड मोटिवेशन, ये सब भी कौन कंट्रोल कर रहा है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस. मैंने बताया हाइपोथैलेमस अलोंग विद बेसल न्यूक्लियाई बनाता है लिम्बिक सिस्टम, और वो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है इमोशंस को. दैट इज द इमोशनल ब्रेन. कभी पूछ ले विच इज इमोशनल ब्रेन, तो लिम्बिक सिस्टम. और लिम्बिक सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं, हाइपोथैलेमस प्लस बेसल न्यूक्लियाई. ये चीज समझ में आई बेटा. ठीक है. तो वैसे आज की क्लास में हमको इतना ही करना था. एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिकैप. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज. जो है हमने अपना ब्रेन खत्म कर दिया. नेक्स्ट क्लास में पहले हम पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में, क्रेनियल नर्व्स, फिर थोड़ा सा स्पाइनल नर्व्स के बारे में, फिर दो चीज़ें बचेंगी, आई और ईयर का स्ट्रक्चर. वो करने के बाद हमारा चैप्टर विल बी कंप्लीट. ठीक है, जल्दी से रिवाइज करते हैं. सेरिबेलम से शुरू किया था. सेरिबेलम भी दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है. ठीक है, दोनों को बीच में कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर इज वर्मिस. व्हाइट मैटर एक ट्री की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं आर्बरविटी या ट्री ऑफ लाइफ. ठीक है, फिर मैंने बताया था सेरिबेलम के तीन फंक्शन. पहला, मेंटेन टोन एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी. टोन एंड पोस्चर कैसे मेंटेन कर रहा है, कि कुछ मसल्स को पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड रखता है, जैसे बैक की मसल, नेक की मसल. ठीक है, वो पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड है इसीलिए हम स्ट्रेट हैं. अगर मेरी नेक की मसल पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड ना हो तो इट विल बी फॉल लाइक दिस. मेरी नेक ऐसे या इस तरफ कहीं लुढ़क जाएगी. ठीक है, आई ऑल्सो डोंट नो किस तरफ. सो क्या है कि वो सिग्नल दे रहा है हमारी मसल्स को टू रिमेन पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड. ठीक है, दूसरा क्या था बेटा, दूसरा फंक्शन था बैलेंस और इक्विलिब्रियम का. बैलेंस और इक्विलिब्रियम मैंने बताया, जो इंटरनल ईयर है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो सेंस करता है. जब भी बैलेंस और इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा तो वो फ्लूइड हिलेगा. वो फ्लूइड जैसे ही हिलता है ब्रेन के पास एक मैसेज जाता है. फिर ब्रेन क्या है, जो सेरिबेलम में, एक्चुअली ब्रेन में भी कहाँ, सेरिबेलम के पास मैसेज जाएगा. सेरिबेलम क्या करेगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा और बॉडी को वहीं पे स्टिफ कर देगा ताकि वी डू नॉट फॉल. जैसे हम रात में लेटने के लिए बेड पे बैठते हैं, बैठने के बाद हम स्लाइटली धीरे 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 ऐसे पीछे जाते हैं. ऐसा तो नहीं होता हम जा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर फॉलिंग, हम गिर रहे हैं. ऐसा नहीं होता ना, क्यों, क्योंकि हमारा सेरिबेलम उस टाइम पे हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कर रहा है. ठीक है, तो सेरिबेलम का दूसरा काम क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, बॉडी का जो बैलेंस और इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन. तीसरा है कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट्स, कि कोई भी स्टिमुलस है उसके रिस्पॉन्स में हमें कौन सा मूवमेंट शो करना है.
उसको रेगुलेट करते हैं तीन चीज़ें, क्या क्या? सेरिबेलम, बेसल न्यूक्लियाई और सेरिब्रम। सेरिब्रम में तो मोटर एरिया है जो मूवमेंट फाइनली करवाएगा, बट उसको बेचारे को ये नहीं पता कि मूवमेंट करवानी कैसे है, ठीक है, कि उसको ये नहीं पता कि मैं कौन सा कदम ऐसे रखूँगी जिससे मैं नहीं गिरूँगी आगे जाते टाइम। तो वो उसको कौन बताएगा? वो बताएगा बेसल न्यूक्लियाई। बेसल न्यूक्लियाई प्लान करेगा मूवमेंट को, और वो कैसे प्लान करेगा? बॉडी के मैप के अकॉर्डिंग। और बॉडी का मैप किसके पास होता है? सेरिबेलम के पास। सेरिबेलम बॉडी मैप को भेजता है किसके पास? हिट सेंड बॉडी मैप टू बेसल न्यूक्लियाई प्लस मोटर एरिया। फिर जो बेसल न्यूक्लियाई है दैट विल प्लान द मूवमेंट और सिग्नल देगा मोटर एरिया को। फिर मोटर एरिया हमारी मसल्स को कहता है कि अब तुम ऐसे चलो, ऐसे चलो, ठीक है। सो दैट इज जो कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम कर रहा है कौन? सेरिबेलम अलोंग विद बेसल न्यूक्लियाई। फिर हमने बात की थी थोड़ा सा अबाउट बेसल न्यूक्लियाई। बेसल न्यूक्लियाई मैंने क्या बताया? सेरिब्रम के बेस पे जो सेल बॉडीज प्रेजेंट है इन द वाइट मैटर, तो उसको हमने बोल दिया बेसल न्यूक्लियाई। बेसल न्यूक्लियाई में दो चीज़ें आपको याद रखनी है, अमिगडेला और हिप्पोकैम्पस। अमिगडेला इज द रेज और एंगर का जो सेंटर है, दैट इज अमिगडेला। हिप्पोकैम्पस क्या है? जो क्या कर रहा है? दैट हिप्पोकैम्पस इज रेगुलेटिंग। क्या रेगुलेट कर रहा है? व्हाट हिप्पोकैम्पस वाज रेगुलेटिंग? हिप्पोकैम्पस वाज रेगुलेटिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट करना है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या था? हाइपोथैलेमस प्लस बेसल न्यूक्लियाई। फिर जो है हाइपोथैलेमस के फंक्शन स्टडी किए, जिसमें क्या था मैंने बताया, इट इज़ द सेंटर फॉर कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग और ड्रिंकिंग की डिज़ायर यहाँ से आती है, रेज एंगर पेन सारे इमोशंस यहाँ से आते हैं, एंड सैटिटी सेंटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। सो आई होप आपको ये वाली क्लास क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।